नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। अकबर ने किसे फरजंद की उपाधि व 7,000 का मनसब दिया? अकबर ने किसे फरजंद की उपाधि व 7,000 का मनसब दिया? तो अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी राजा मानसिंह को, और सबसे ज्यादा मनसब जो है 7,000 मनसब वो किसे दिया था? मानसिंह को अकबर ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 27। मिर्जा राजा जयसिंह सन 1636 ईस्वी में किस मुगल सम्राट के साथ दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर गए? अब देखिए बीजापुर और गोलकुंडा कहाँ है? दक्षिण में, ठीक है। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने सन 1736 ईस्वी में किस मुगल सम्राट के साथ दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर गए? तो वो गए थे शाहजहां के साथ। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। सन 1630 ईस्वी में खान ए जहां लोदी के विद्रोह को किसने दबाया? तो खान ए जहां लोदी के विद्रोह को 1630 ईस्वी में दबाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन। मिर्जा राजा की उपाधि राजा जयसिंह को किसने दी थी? जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी शाहजहां ने। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ जिसमें मिर्जा राजा जयसिंह ने सूजा को परास्त किया था? बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ जिसमें मिर्जा राजा जयसिंह ने सूजा को परास्त किया था? तो यह युद्ध हुआ 1658 ईस्वी में। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बहादुरपुर के युद्ध जो है, जो कि 1658 ईस्वी में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था और कौन विजयी रहा? तो यह युद्ध मिर्जा राजा जयसिंह और सूजा के बीच में हुआ, जिसमें मिर्जा राजा जयसिंह विजयी रहे। औरंगजेब ने दक्षिण में शिवाजी के विरुद्ध किसे भेजा? औरंगजेब ने दक्षिण में शिवाजी के विरुद्ध किसे भेजा? तो उन्होंने भेजा था मिर्जा राजा जयसिंह को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि आप सभी को याद है, हमने हिस्ट्री में पहले भी किया था। यह संधि 1665 ईस्वी में हुई थी, और यह संधि किस किस के बीच में हुई थी? शिवाजी के बीच में और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33। पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई? तो हमने ये क्वेश्चन का आंसर अभी देखा कि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच होती है 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि। प्रसिद्ध कवि बिहारी किनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? या प्रसिद्ध कवि बिहारी किसके दरबार में थे? तो यह मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में थे। जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी? अब देखिए मिर्जा राजा जयसिंह अलग हैं और सवाई जयसिंह द्वितीय अलग हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के समय, उनके समय शिवाजी के साथ उनकी पुरंदर की संधि हुई थी, और यहाँ अब हम बात कर रहे हैं जयसिंह द्वितीय की, इन्हें सवाई की उपाधि किसने दी? तो जयसिंह द्वितीय को भी सवाई की उपाधि देने वाले औरंगजेब थे। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन। सवाई जयसिंह आमेर के शासक कब बने? तो सवाई जयसिंह जो थे वो आमेर के शासक 1700 ईस्वी में बने, ठीक है, याद रख सकते हैं हम। सवाई जयसिंह आमेर के शासक कब बने? 1700 ईस्वी में, जब औरंगजेब का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उत्तराधिकार के युद्ध में सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? तो सवाई जयसिंह ने साथ दिया था आजम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38। किस मुगल सम्राट ने सम्राट बनते ही सवाई जयसिंह के विरुद्ध विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया? तो मोमिनाबाद जो है वो किस शासक ने, किस मुगल सम्राट ने रखा था? देखिए औरंगजेब ने रखा था। जैसे ही सम्राट बन गए औरंगजेब, वैसे ही सवाई जयसिंह के विरुद्ध विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया और आमेर का नाम बदलकर रख दिया था मोमिनाबाद। किसकी सहायता से सवाई जयसिंह ने आमेर के राज्य को प्राप्त कर लिया था? किसकी सहायता से सवाई जयसिंह ने आमेर राज्य को प्राप्त किया था? तो उन्होंने मेवाड़ की सहायता से आमेर को प्राप्त किया था। देखिए हम बिल्कुल
एकदम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है वो बीच में नहीं छूटा है और ना ही छूटेगा, ठीक है। हर पैराग्राफ में जो भी प्रश्न होते हैं सभी हम लोग ऐड करते हुए और फिर हम क्वेश्चन फॉर्मेट में इन्हें देखते हैं। किस कछवाहा शासक ने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों का काल देखा? तो वो कौन से कछवाहा शासक थे जिन्होंने 7 मुगल बादशाहों का काल देखा? वो थे सवाई जयसिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41। किस मुगल शासक ने 1713 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया? तो वो थे फर्रुखसियर, जिन्होंने सवाई जयसिंह द्वितीय को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस कछवाहा शासक ने आमेर के स्थान पर जयपुर को अपनी राजधानी बनाया? तो अब आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाने वाले कछवाहा शासक का नाम है सवाई जयसिंह द्वितीय। इन्होंने आमेर के स्थान पर राजधानी किसे बनाया? जयपुर को। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, राजस्थान के किस शासक को महान सेनापति, आश्रयदाता, गणित एवं नक्षत्र का ज्ञाता कहा जाता है? राजस्थान के किस शासक को महान सेनापति, आश्रयदाता, गणितज्ञ और नक्षत्र का ज्ञाता कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सवाई जयसिंह द्वितीय को। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए जिनके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, सवाई जयसिंह ने जीज ए मोहम्मद शाही सारणी का निर्माण किस लिए किया? तो इन्होंने जीज ए मोहम्मद शाही सारणी का निर्माण नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए 1725 ईस्वी में किया। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो इन्होंने, सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। वो कौन कौन सी थी तो अभी हम क्वेश्चन में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, सवाई जयसिंह द्वारा लिखित ग्रंथ जयसिंह कारिका, इसका विषय क्या है, थीम क्या है? थीम है ज्योतिष विद्या। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, किस स्थान पर सवाई जयसिंह ने 5 वैधशालाएं बनवाई? तो इन्होंने बनवाई दिल्ली, बनारस, उज्जैन, जयपुर और मथुरा। दिल्ली, बनारस, उज्जैन, जयपुर और मथुरा। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, किनके प्रयासों से हुरणा सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ? हुरणा सम्मेलन कब हुआ, किसके प्रयासों से हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट हमेशा याद रखनी है। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरणा सम्मेलन हुआ, जो कि सवाई जयसिंह द्वितीय के प्रयासों से आयोजित किया गया। सबसे बड़ी वैधशाला सवाई जयसिंह ने कौन सी बनवाई? तो जयसिंह ने 5 वैधशालाएं बनवाई, जिसमें सबसे बड़ी जयपुर की वेधशाला, जिसे कि जंतर मंतर कहा जाता है। और हम देखते हैं कि यूनेस्को ने जुलाई 2010 में जो जयपुर की वेधशाला है, जंतर मंतर कहा गया जिसे, इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। देखिए ये क्वेश्चन ही आ गया कि जुलाई 2010 ईस्वी में किस वेधशाला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो वो जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर। जयसिंह ने किस से जयपुर का नक्शा बनवाया? तो जयपुर का नक्शा जो है वो सवाई जयसिंह ने बनवाया बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से। किससे बनवाया? बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 52, वह अंतिम हिंदू नरेश जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया वो कौन है? सवाई जयसिंह। 1734 ईस्वी में किसने जयपुर में नाहरगढ़ किला वह जयगढ़ में जयबाण तोप का निर्माण करवाया? तो ये क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन हैं। जयपुर में नाहरगढ़ किला का निर्माण जो है किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। जयगढ़ में जयबाण तोप का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। तो यहाँ हमने कंप्लीट किया है जयपुर के कछवाहा शासक। नेक्स्ट वीडियो आपका इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा, जिसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।